बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह ये जनरल नॉलेज पार्ट 15 दिखाया गया है, ये 1 पेपर MCQs CSS PMS जितने भी स्क्रीनिंग एग्जाम हैं, इसके लिए ये सवालात एम हैं। यानी फर्स्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, इस पर वीडियो है। द ओल्डेस्ट मोनार्की इन द वर्ल्ड इज, ऑप्शन बी जापान। द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टेच्यू ऑफ बुद्धा वाज इंस्टॉल्ड ऑन December 1, 1992 इन इंडिया। मोनोलिथिक स्टेच्यू जो था बुद्धा का, 1 दिसंबर 1992, ये कहां पर लगाया गया था? माल यानी इंडिया में। द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वाज, ऑप्शन बी वेलेंटिना टेरेशिक्वा, यानी ऑप्शन बी। नंबर फोर्थ MCQs, द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड इन, ऑप्शन सी इंग्लैंड। यानी फर्स्ट रेलवे लाइन कहां पर लेड की गई थी? ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द ब्रीफिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, किस मुल्क का जो ब्रीफिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है? ये ऑप्शन बी है, यूनाइटेड स्टेट। यानी MCQs नंबर 5 में जो है दिखाया गया है जिस तरह आपको कि ब्रीफिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। नंबर 6 MCQs, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम जो था लुइस जोई ब्राउन, ऑप्शन बी। द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट टू लीव द सोलर वाज, फर्स्ट मैन ऑब्जेक्ट जो था जो सोलर सिस्टम को छोड़ दिया था, मैरिनर 2, ऑप्शन डी। जहां जो MCQs हैं यानी 7 में, उसमें ऑप्शन डी है, मैरिनर हैं। इसी तरह अमंगस द फॉलोइंग ओल्डेस्ट ऑब्जर्वेटरी इज, यानी ऑप्शन बी रोडेरम कोपेनगन डेनमार्क, ये ऑप्शन बी है। द फर्स्ट सेटेलाइट वॉज लॉन्च बाय, ये ऑप्शन यानी MCQs नंबर 10 में क्या है? USSR। फर्स्ट सेटेलाइट किसने लॉन्च किया था? USSR ने। द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपीडिशन टू द माउंट एवरेस्ट वॉज मेड इन, फर्स्ट एक्सपीडिशन सक्सेसफुल जो कामयाब हुआ था माउंट एवरेस्ट में, ये 1953 में हुआ। यानी 12 MCQs में, विच इज़ द हाइएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, एंजल फॉल। हाइएस्ट वाटरफॉल जो है दुनिया का वो ऑप्शन ए है, यानी एंजल फॉल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कंट्री, स्मॉलेस्ट कंट्री जो है 13 MCQs में, ऑप्शन ए विटिकन सिटी स्टेट हैं, विटिकन सिटी स्टेट हैं। 14 MCQs में, द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाइस वाज नवेन गंबो, ऑप्शन ए नवेन गंबो, जो फर्स्ट मैन था जो माउंट एवरेस्ट पर दो दफ़ा जो है जिन्होंने क्लाइम किया था, उसका नाम रेवेन गंबो था। द हाइएस्ट नेविजेबल लेक इन द वर्ल्ड इज, ऑप्शन बी टिटिका लेक, ऑप्शन बी। 16 MCQs में, आफ्टर ब्रेक अप ऑफ USSR द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज इज, USSR के ब्रेक होने के बाद जो लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया का उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है रशियन फेडरेशन है, उसका नाम क्या है? रशियन फेडरेशन। विच कंट्री वॉज डिवेलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट सीडलेस मैंगो, ये ऑप्शन MCQs नंबर 17 है। कौन से मुल्क ने जो है बेबीज आम पैदा किया था? इंडिया, ऑप्शन बी। द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड वॉज बर्न इन, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो पैदा हुआ था वो कौन से मुल्क में? ऑप्शन
सी में इंग्लैंड। ये कहाँ पर पैदा हुआ था? द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपोजिट ऑफ कॉस्मिक डस्ट हैज़ बीन डिस्कवर्ड। कॉस्मिक डस्ट का जो डिपोजिट था ये कहाँ पर दरियाफ्त हुआ था? ऑस्ट्रेलिया। यानी 19 एमसीक्यूज में ऑप्शन बी है। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, सबसे बड़ा जजीरा जो दुनिया का है उसका नाम ग्रीनलैंड है, ऑप्शन बी है। द स्पेस शटल विच लैंडेड ऑन मून वाज, स्पेस शटल जो उतारी गई मून पर उसका नाम अपोलो था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल एज पर रिसेंट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है कोल का उसका क्या नाम है? यानी एमसीक्यूज नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल एज पर रिसेंट अवेलेबल, एज पर रिसेंट अवेलेबल इन डेटा। यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है कोल का उसका नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स हैं। 23 एमसीक्यूज में विच इज़ द ग्रेटेस्ट आरपीजी आरपीलिगो ऑन द ग्लोब, आर यानी सबसे अजीम जो बड़ा आरपीलिगो है वो को दुनिया में क्या है? इंडोनेशिया। यार आरचीपीलिगो का मतलब जो है यानी जिसमें ज़्यादा आइलैंड हो उसको आरचीपीलिगो कहते हैं। ये ऑप्शन डी है, 23 एमसीक्यूज में ऑप्शन डी है। द वर्ल्ड हाईएस्ट हैबिटेबल बिल्डिंग इज, दुनिया का सबसे जो बड़ा हैबिटेबल बिल्डिंग है उसका नाम क्या है? बुर्ज खलीफा, ऑप्शन दुबई यूएई। यानी इस एमसीक्यूज में 24 एमसीक्यूज में बुर्ज खलीफा दुबई यूएई। द फर्स्ट सेटेलाइट लॉन्च वाज, पहला जो सेटेलाइट था जो लॉन्च हुआ था उसका नाम क्या है? स्पुटनिक। उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए स्पुटनिक। द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन द वर्ल्ड इज, ऑप्शन बी स्विस कैनाल है। लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल जो है दुनिया का उसका नाम स्विस कैनाल है। विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा गल्फ जो दुनिया का है उसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। द हाइस्ट टाइटल इन जूडो इज ब्लैक बेल्ट, जूडो का जो टाइटल है उसका नाम ब्लैक बेल्ट। द लॉन्गेस्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑफ द वर्ल्ड इज लेड, लार्जेस्ट ऑप्टिकल जो फाइबर हैं ये कौन से ममालिक है? सिंगापुर एंड मर्सिलीज। यानी ऑप्शन ए 29 एमसीक्यूज में ऑप्शन ए सिंगापुर एंड मर्सिली। द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट, एस एमसीक्यूज में यानी 30 एमसीक्यूज में जो है लार्जेस्ट ऑयल यानी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्री है दुनिया का उसका नाम टोक्यो है। द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज बर्न, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कब पैदा हुआ? जुलाई 25, 1978 को। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वाज परफॉर्म्ड बाय साउथ अफ्रीकन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नेट इन केप टाउन। यानी पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था ये साउथ अफ्रीकन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नेट ने किया था 1967 में। इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ये बताएं कि और आप क्या चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।